मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट ऑसिलेटरी ट्रांसवर्स मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है, एंगेजमेंट होता है सबसे पहले व्हेन द लार्जेस्ट फीटल डायमीटर क्रॉसेस द पेल्विक रिम, तो यूजुअली इट इज द बाइपैरेटल डायमीटर, तो वी कैन ऑल्सो से व्हेन द बाइपैरेटल डायमीटर क्रॉसेस द पेल्विक रिम इट इज एंगेजमेंट। उसके बाद क्या होगा, डिसेंट ऑफ फ्लेक्शन, डिसेंट ऑफ फ्लेक्शन साइमल्टेनियसली होता रहेगा। फिर क्या होगा, व्हेन इट रीचेस एट द लेवल ऑफ द इशियल स्पाइन इंटरनल रोटेशन होगा। अब क्योंकि लेफ्ट ऑसिलेटरी ट्रांसवर्स में है, हमें किसी भी डायमीटर को डिलीवर होने के लिए एपी डायमीटर में आना होता है क्योंकि वो लार्जेस्ट होता है, तो देयरफॉर आउटलेट का एपी डायमीटर लार्जेस्ट होता है, तो देयरफॉर ये इंटरनल रोटेट करता है, इट विल कम एंड रोटेट 2/8 ऑफ द सर्कल सो दैट ऑसिलेट कम्स एंड लाइज अंडर ब्यूबिक सिम्फाइसिस। अब क्योंकि हमारी नेक कैन टेक टॉर्शन ऑफ ओनली 1/8 ऑफ द सर्कल, सो देयरफॉर शोल्डर्स रोटेट करते हैं, दे विल रोटेट ओनली बाय 1/8 ताकि नेक 1/8 का टॉर्शन ले लेगी, लेकिन ऑसिलेट रोटेट हुआ 2/8 ऑफ द सर्कल। तो जब हेड ऐसे था तो शोल्डर्स इस प्लेन में थे, अब जैसे हेड यहां गया है तो शोल्डर्स 1/8 रोटेट हुए हैं, तो शोल्डर्स लाइंग इन दिस प्लेन, लेफ्ट ओब्लिक में लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, क्राउनिंग होगी कि सबसे पहले कि दिस फीटल डायमीटर्स विल स्ट्रेच द वल्वर आउटलेट, उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से डिलीवरी हो रही है, सबसे पहले ऑसिलेट बाहर आया, फिर वर्टेक्स बाहर आया, फिर ब्रो एंड फाइनली फेस बाहर आया। अब जैसे ही डिलीवरी ऑफ शोल्डर हो गई, अब क्या होगा, नेक के ऊपर डिलीवरी ऑफ हेड हो गया, तो अब क्या होगा कि नेक का जो टॉर्शन था वो रिलीव होगा, तो इट विल कम बैक, 1/8 का टॉर्शन था ये वापस आ गया, और दिस इज एसोसिएशन। और फाइनली क्या होगा, शोल्डर्स इस प्लेन में थे लेफ्ट ओब्लिक में, तो दे विल ऑल्सो कम इन एपी डायमीटर क्योंकि उनको डिलीवर होना है, तो उसकी वजह से जो हो रहा है तो वो फर्दर 1/8 हो जाएगा, तो दिस टोटल 2/8 का रोटेशन हुआ बाहर जो हमें हेड पे विजिबल होता है, दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन। तो एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर क्या हुआ, इनिशियल 1/8 इज एसोसिएशन, दैट इज बिकॉज ऑफ टू रिलीव द टॉर्शन ऑफ द नेक, एंड नेक्स्ट 1/8 सो एज द शोल्डर्स फ्रॉम लेफ्ट ओब्लिक प्लेन कम इन द एपी डायमीटर। उसके बाद क्या होगा, अब हमारी शोल्डर्स होती हैं, तो दे विल डिलीवर ऑफ द शोल्डर एंड द बॉडी बाय लेटरल फ्लेक्शन डिलीवरी हो जाएगी।